दिग्रसे शहर में भारी बारिश और बाढ़ से बेतहाशा नुकसान के बाद लोग संकट में पड़ गए हैं। मोतीनगर, संभाजीनगर, चमनपुरा जैसे विभिन्न इलाकों की जनता तहसील कार्यालय के सर्वेक्षण और पालक मंत्री संजय राठौर से भेंट की प्रतीक्षा में है। उन्हें तत्काल मदद की जरूरत है, लेकिन अब तक उन्हें पर्याप्त मदद नहीं पहुंची है। पेश है दिग्रसे संवाददाता जुबैर खान की स्पेशल रिपोर्ट। शुक्रवार 21 जुलाई देर रात से शुरू हुई भारी बारिश के बाद शनिवार को दिग्रस तहसील के नदी नालों को आई बाढ़ ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। नदी किनारे बसे हुए क्षेत्र के लोगों के चेहरे खुद ब खुद प्राकृतिक आपदा से उपजे भारी नुकसान की दास्तां बयां कर रहे हैं। जब लोगों पर आसमानी संकट टूट पड़ा था तब भी और आसमानी संकट के गुजरने के बाद भी लोग खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। हाल ही में स्थानीय तहसील प्रशासन द्वारा मोतीनगर, संभाजीनगर जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का सर्वे शुरू हुआ है, लेकिन इस सर्वे को लेकर लोग संतुष्ट नहीं है। शनिवार 22 जुलाई की रात दिग्रस शहर और परिसर में बेतहाशा बारिश हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर धावंडा नदी को महापूर आने से, बाढ़ आने से यहाँ पर किनारे रहने वाले, नदी किनारे रहने वाले लोगों का बेताशा इसमें नुकसान हुआ है। आज सोमवार है और तहसील कार्यालय की सर्वेक्षण टीम यहाँ पहुंची है। यहाँ पर सर्वेक्षण जारी है। यहाँ पर जो नुकसान हुआ है, जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, उसका सर्वे यहाँ जारी है। लेकिन सर्वे को लेकर मोतीनगर के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। आइए इनकी कुछ नाराजगी, आइए इनसे बात करते हैं। पहले मैं न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम बाढ़ग्रस्त इलाके में आकर हम लोगों की तकलीफ को जानने के, प्रशासन तक पहुँचाने के लिए आप हम तक पहुँचे। मैं प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ, यही इंतजार करता हूँ कि वो हमारी जो तकलीफ है वो तकलीफ को समझे। जितना पूर्णग्रस्त लोगों का जो ये सर्वे चालू है वो पूरी तरह से वो संतुष्ट होने वाला सर्वे नहीं है। एकदम टप्पे टप्पे वाला धीमे गति से सर्वे हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों तक के जो प्रशासन की जो पहुंचने वाली मदद है उसमें काफ़ी दिक्कतें और देरी हो रही है। मैं प्रशासन से यही इंतजार करता हूँ, विनती करता हूँ कि वो सर्वे का काम जो है वो जल्द से जल्द करे और हमको जल्द से जल्द उसका जो मुआवजा देना है, जो भी हमको मदद करनी है वो मदद करें। मोतीनगर के साथ ही संभाजीनगर और चमनपुरा निवासी भी इस बाढ़ के बाद उपजी समस्या से त्रस्त हो चुके हैं। उन्हें अब तक मदद तो दूर, सांत्वना के दो शब्द कहने तक कोई नहीं आया, जिस वजह से लोगों में इस बात को लेकर निराशा के स्वर उमट रहे हैं। के लिए अभी तक ऐसा मुंह देख के इधर ये हो रहा है, अपना कार्रवाई हो रही है, सर्वे हो रहा है। मैं सभी संजय राठौर से विनती करता हूँ कि सबका, गौर गरीबों का, हर किसी की मदद होनी चाहिए। ऐसा मुंह देख के अभी तक मदद नहीं होनी। आमचं सर्वच नुकसान झालेलं आहे, अन्न धान्य पैसे आदले सगळे गेलेले आहे, भांडे कुंडे हाच सामान सुद्धा नाही आहे राहिलेलं आम्हाला। इकडे कोणी येत नाही, सर्वे करायला कोणी येत नाही। इथले संजय देशमुख, संजय राठोड सुद्धा त्याचे माणसं कोणी इकडे आलेले नाही आहे। गरिबाने काय करत आहे, एवढं सगळं गरीबाचं गेलं, गरिबाने काय करावं। इकडे कोणी एखाद्याने आलेच पाहिजे, कोणीच येत नाही इकडे। सरकारी महकमे ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। पालक मंत्री संजय राठौड़ ने भी कई इलाकों का दौरा किया है, लेकिन जब तक बाढ़ पीड़ितों को पुख्ता मदद नहीं मिलती तब तक ये सारे दौरे और ये सारा सर्वेक्षण महज एक खानापूर्ति या औपचारिकता ही समझी जाएगी। शहर में आई बाढ़ के बाद यहाँ का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ पर बाढ़ के बाद लोगों का जीवन जो है पटरी पर आता नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर कहने को पालक मंत्री ने और राजनीति में सक्रिय लोगों ने दौरे शुरू किए हैं और प्रशासन जो है और यहाँ का जो सरकारी विभाग है जैसे तहसील कार्यालय है उसने भी सर्वेक्षण शुरू किया है, लेकिन मंत्री संत्रियों के दौरे से और सर्वेक्षण से लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब तक कोई पुख्ता मदद नहीं मिल पाई है। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान।